क्या हाल है हेमंत सोरेन जी? कुछ दिन पहले ही बिहारी और बिहार को लेकर भला बुरा बोल रहे थे, आज हम भी थोड़ा भला बुरा बोलेंगे, पर आप जितना नीचे नहीं गिरेंगे, नहीं हम झारखंड को गाली देंगे, लेकिन हाँ आपको और आपके असिस्टेंट को इतना रगड़ देंगे कि आप अपने आप से कह उठेंगे कि भैया इससे बढ़िया तो गरिया ही लेते। खैर, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और अब मुद्दे पर आते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए सोरेन जी, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन ये हमें कचोटती है क्योंकि आपकी धृतराष्ट्र वाली इमेज बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। नासूर बन चुके भ्रष्टाचार को बयां करने वाली ऐसी तस्वीरें हर वर्ष बारिश में समाचार पत्रों टीवी चैनलों की सुर्खियां बनती है। विशुद्ध भ्रष्ट हो चुके सिस्टम और इसके जिम्मेदारों के प्रति ऐसी तस्वीरें हिकारत का भाव भी पैदा करती है, बावजूद इसके धरातल पर बहुत कुछ नहीं बदलता है। हम कुछ दिन जिम्मेदारों को कोसते हैं और फिर अपने में मगन हो जाते हैं, तब तक जब तक कोई ऐसा ही वाक्या दोबारा सुर्खियों में नहीं आ जाता। लेकिन ये तो रूटीन ही हो गया है, इधर पुल गिरा, उधर सड़क धस गई और आपकी बंद आंखें खुलने का नाम ही नहीं लेती। सोरेन जी एक काम करिए, या तो आप अपनी आंखों पर गांधारी वाली पट्टी बांध लीजिए या पूरे झारखंड की आंखों में तेजाब डलवा दीजिए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, आपका क्या इलाज है। मतलब करोड़ों रुपयों से पुल बनता है, चंद सालों में वह टूट जाता है, बैठ जाता है, कैसे हजम करें इस बात को सर? सुबह से चूर्ण फाक रहे हैं लेकिन बात हजम नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते ही कैक की रिपोर्ट आई है और उसको पढ़ने के बाद जो इनो होता है पेट का गैस खत्म करने वाला, वो भी काम करना बंद कर दिया है। झारखंड में पिछले 5 साल में जो पुल पुलिया और भवन बने उनमें बड़े पैमाने पर गुणवत्ता की अनदेखी की गई है, यह गिर रहे हैं, ढह रहे हैं, यह जनता के धन की बर्बादी तो है ही, कभी भी बड़े हादसे का कारण भी बन सकते हैं। पर आपको तो फर्क नहीं पड़ता, मर जाए आम लोग आपका क्या है, आप तो मजा काट ही रहे हैं, शर्म आंखों से मर गई है, बेहूदगी जमान पे चढ़ के नंगा नाच तो कर ही रही है, वोट पाने और चुनाव जीतने के लिए बढ़िया कॉकटेल तैयार ही है। पर सर सोचिए, जब आपको जनता ने चुना था तो इस बेहूदगी को सरकारी प्राथमिकता देने के लिए नहीं चुना था, इसलिए चुना था कि इस नए नवेले राज्य का उद्धार हो सके, थोड़ा बेहतर हो सके, लेकिन ये क्या, आपने तो हद ही कर दी। चलिए ये तस्वीर देखिए स्क्रीन पर, रांची जिले के बुंडू प्रखंड में बूढ़ा डी हारा डी के बीच कांची नदी पर बना यह पुल कुछ ही साल पहले 14 करोड़ की लागत से बना था। पहले इसी साल 27 मई को आए यास तूफान के दौरान यह काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, 4 महीने बाद अब बारिश में यह लगभग ढह गया। अभियंताओं का कहना है कि अब इस पुल की मरम्मत होनी मुश्किल है, मतलब 14 करोड़ रुपए गए पानी में, जिम्मेदार संस्था का क्या, सरकारी लापरवाही का क्या, राज्य के मुखिया के उत्तरदायित्व का क्या होगा? नहीं सोरेन जी, आपको पता है कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो मर्जी हो जिसको मर्जी हो ठेका दिलवाइए, और ये एक उदाहरण नहीं है, मांगेंगे तो उंगलियों पर गिना देंगे, ऐसी दर्जनों घटनाएं जिन्होंने बर्बादी लापरवाही की नई नई इबारतें लिखी हैं। क्या विधानसभा में यह मुद्दा गूंजेगा? अगर भोजपुरी मंगही को गाली देने से फुर्सत हो तो विधानसभा में कभी इस पर भी चर्चा कीजिएगा। क्या इसको लेकर विधानसभा के बाहर सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष का कोई विधायक कभी धरना पर बैठेगा? क्या मुखिया जी सामने आकर स्पष्टीकरण देंगे? इसकी उम्मीद तो कम ही है। ऐसे में यह सवाल मन में उठना स्वाभाविक ही है कि जनता के नुमाइंदे आखिर ऐसे क्यों नहीं करेंगे? धन की हुई इस बर्बादी के साथ साथ जनता की दिक्कतों को यदि जनप्रतिनिधि नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक कैग की विधानसभा के पटल पर रखी गई रिपोर्ट और उस पर माननीयों की चुप्पी से यह जाहिर हो गया है कि भ्रष्टाचार के जीते जागते इन सबूतों में उनकी कोई रुचि नहीं है। अब यह बताने की जरूरत तो है नहीं कि आखिर ऐसा क्यों है, समझते तो सब है, बोलता कोई नहीं। चलिए हम बताते हैं क्या है कैग की रिपोर्ट में। कैग की रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी और व्यवस्थागत खामियों के कारण राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इन पुल पुलियों की मरम्मत का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जहां देश में राष्ट्रीय राजमार्ग अब विश्व स्तरीय गुणवत्ता के बन रहे हैं, वहीं राज्य के ग्रामीण अंचलों में आज भी सैकड़ों पुल पुलिया, सड़कें और भवन लूट खसोट के गवाह बनकर खड़े हैं। इनके निर्माण के पहले न तो मिट्टी की जांच हुई, न पानी के स्तर को मापा गया, जहां डीप फाउंडेशन दिया जाना था वहां खुला फाउंडेशन देकर खंभा खड़ा कर दिया गया और पुल बना दिया गया। तमाम नियमों की अनदेखी कर बनाए गए पुल का परिणाम सबके सामने है।
दरअसल मार्च 2019 तक राज्य के अधूरे पुल कार्यों में से 39 पुलों का निर्माण उनके पूर्ण होने की निर्धारित अवधि के 6 महीने से 9.5 साल गुजरने के बावजूद पूरा नहीं हुआ। इसी तरह पर्यटन स्थल वहां विकसित करने की कोशिश की गई जहां न बेहतर लोकेशन थी, न बिजली, न पानी की समुचित व्यवस्था, वहां तक पहुंचने की सड़क भी नहीं थी। जहां बेहतर लोकेशन नहीं थी वहां भी पर्यटकों के लिए आवास बना दिए गए जिनका कोई उपयोग नहीं हुआ। 39.62 करोड़ की लागत से निर्मित 39 पर्यटन स्थलों से ना तो स्थानीय लोग लाभान्वित हुए और ना ही सरकार को कोई लाभ मिला। यह घटिया प्रबंधन के चलते हुआ। ये सब क्यों किया गया मुख्यमंत्री जी, आप बताएंगे और कभी बता पाएंगे आप इसको, या हम ही कह दें कि नया नया राज्य बना है, दबा के पैसा आ रहा है, लपेट ले जितना लपेट सकते हैं, जनता भी अभी ज्यादा नहीं बोलेगी, पता ही नहीं है कि सब माजरा क्या है। और जब तक पता चलेगा हेमंत सोरेन जैसे सैकड़ों ताकतवर लोग अपनी आने वाली 4 पुश्तों का इंतजाम करके चले जाएंगे। लेकिन ये कैसे सोच लिया कि हम नहीं बोलेंगे? सोरेन जी आपने एक बार बोला था हम उसका जवाब 1000 बार बोल के देंगे और अभी तो शुरुआत है, खेला लंबा चलेगा, तैयार रहिएगा। अब वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे लिए ऐश्वर्य अनुराग मिश्रा ने लिखा है, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।